सहसा ही शुभमन गिल का दूरभाष यंत्र ध्वनित होने लगा। शुभमन गिल शांत भाव से अपने यंत्र की ओर अग्रसित हुए, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि दूरभाष तो प्रिय सारा तेंदुलकर के अनुज अर्जुन तेंदुलकर का है, उनके प्राण किलकार उठे। उनकी आंखों में भय के भाव दूर दृष्टि से भी देखे जा सकते थे। श्वास की गति पवन देव को भी लज्जित कर दे। कदाचित दूरभाष का न्योता कुछ क्षण पश्चात बाधित हुआ। शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने कॉल अर्थात दूरभाष क्यों किया। तभी अचानक से वीडियो कॉल का न्योता आने लगा। शुभमन गिल समीप की दीवार से जा चिपके। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने अर्जुन का वीडियो कॉल स्वीकारा एवं यह अभिनय करने का प्रयत्न किया जैसे कि कुछ घटित ही ना हुआ हो, परंतु तत्पश्चात जो घटना घटित हुई, आपके प्राण भी निर्जल मछली की भांति कंपित हो उठेंगे। देखते रहिए धारावाहिक शुभमन की प्रेम कथा। धन्यवाद।